साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे भाई सऊदीया से रिलेटेड क्या कंडीशन है, कैसे आप इंडिया आ सकते हो, अभी गवर्नमेंट इंडियन की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। सबसे पहले सऊदी अरबिया में आज की डेट में 28 अप्रैल तक यानी कंडीशन क्या है कोरोना अपडेट से रिलेटेड, तो भाई बता दूं कोरोना की इंडिया मतलब इंडिया से थोड़ा पीछे चल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। 20,000 प्लस क्रॉस कर चुका है कोरोना पॉजिटिव केस अभी तक, वहाँ पे 150 से प्लस डेथ अभी तक कोरोना से हो चुकी हैं और 2,500 यानी 2,700 के करीब अभी तक रिकवर इस बीमारी से हो चुके हैं। ये तो है कोरोना से अपडेट से रिलेटेड बात। अब हम बात करते हैं भाई लोगों के बस एक ही माइंड में है, इंडिया जाना है, लॉकडाउन ओपन हो जाए, फ्लाइट ओपन हो जाए, एयरपोर्ट ओपन हो जाए, बस ये माइंड में घुस रही है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं सर कि कैसे आएंगे, क्या होगा। तो मैं बता दूं भाई कि अगर आपको इंडिया आना है, पहली बात तो मैं बता दूं कि इंडिया अगर आप आना चाह रहे हैं, छुट्टी आना चाह रहे हैं, तो आप कंपनी से परमिशन ले या फिर अपने कफील से परमिशन ले। अगर वो आपको परमिशन देता है तो आपके लिए बेस्ट होगा इंडिया आना, जिसमें बहुत सारे लोगों के वीज़ा एक्सपायर हो गए, जो ऑन अराइवल थे, विजिटर वीज़ा थे, वर्क परमिट वीज़ा थे, वो भी इंडिया आ सकते हैं, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट ने बाकायदा बोला हुआ है कि भाई जैसे भी आपकी कंट्री की फ़्लाइट्स ओपन हो जाती हैं तो आप जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें कंडीशन ये आ रही है साथियों, जो वहाँ पर जिसको बोलते हैं खली बली बोल देते हैं कि अपने कफील से कंपनी से छोड़ के भाग चुके हैं, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो उनको आने में दिक्कत होगी। उनके लिए गवर्नमेंट ने उधर से कोई अभी तक अपडेट आया नहीं है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई उनके लिए कोई खास, जैसे कुवैत ने कर रखा है कि ब्लैक लिस्ट हुए या फिर कोई भी बंदा भागा हुआ फलाना ढिमका, उसको कुवैत गवर्नमेंट भेज रही थी, टिकट भी फ्री में दे रही थी, लेकिन अब आउट पास भी बना के दे रही थी, लेकिन सऊदीया की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है। जो भागे हुए बंदे हैं कंपनी छोड़ के, कपिल छोड़ के, तो वो नहीं आ सकते, उनके लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है। बाकी और किसी भी तरह का वीज़ा हो आप बाकायदा इंडिया आ सकते हैं। आगे बात करें भाई, लॉकडाउन आपको पता ही ओपन हो चुका है, उम्मीद है कि धीरे धीरे मई में पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे काम भी स्टार्ट हो जाएगा, कुछ लोग जहाँ पे नहीं है वहाँ पे काम पे भी जा रहे हैं, अच्छी बात है ये। मैन अपनी दो टॉपिक पे बात करेंगे जी, एयरपोर्ट कब खुलेगा। अब मैं बात बता दूं भाई, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से तैयारी चल रही है, अंडर प्रोसेस है, जिसमें 3-4 एयरपोर्ट ओपन होंगे, जिसमें पहला दिल्ली का है, सेकंड बॉम्बे है, तीसरा कलकत्ता या फिर पुणे महाराष्ट्र में या फिर और गोवा वगैरह मान लीजिए, ये जो मेन हैं वहाँ पे इनको खोला जाएगा। इनके लिए गवर्नमेंट की आपकी सऊदीया की तरफ से एक ऐप भी डाउनलोड किया गया है कि भाई वो ऐप डाउनलोड करें, उसमें इंक्वायरी भरें कि भाई कौन सा बंदा कौन सी कंट्री का है, कौन सी देश में जाना चाहता है वगैरह वगैरह, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। वो ऐप आप अपने, आपको पता होगा आप सऊदी में रह रहे हैं तो वो अपने मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें पूरी इंक्वायरी जो मांगी गई है वो फुलफ़िल करें, उसके हिसाब से आपका फिर आने की, इंडिया के नेपाल बंगाली पाकिस्तानी कोई भी हो उनको आने का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो वो ऐप डाउनलोड होना आपकी ज़रूरी है मोबाइल में, और उसमें एक फॉर्म है वो आप भर लीजिए। ये तो हो गया आने का प्रोसेस। अब मैं बता दूं भाई कि एयरपोर्ट तो इंडिया में ओपन हो रहे हैं, नो डाउट 3 तारीख को इंडिया में लॉकडाउन ओपन तो नहीं होगा, ये तो तय फाइनल हो गया, ओपन नहीं होगा, लेकिन ये प्रोसेस हो जाएगा एयरपोर्ट वाला कि भाई जो इमरजेंसी हैं फ्लाइट्स वगैरह स्पेशल फ्लाइट भेज के जो फंसे हुए बंदे हैं उनको बुलाना। उसमें देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, जो बीमार बूढ़े आदमी हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, जिनको विजिट में फंसे हुए हैं उनको आना है, या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं या फिर डेथ कोई गंभीर बीमारी से चल रहे हैं जिनको ऑपरेशन होना है, ठीक है, या फिर आदमी कोई मर चुका है किसी बीमारी से या फिर कोरोना से, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी लेने के लिए। उसके बाद में धीरे धीरे सबको रिकवर किया जाएगा। अब ये तो बात हो गई आने की, अब मैं बात बता दूं भाई कि अगर आप इंडिया आना चाहते हो तो मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा। अब आप बोलोगे आपने आने का रास्ता बता दिया फिर आप मना कर रहे हो, तो भाई देखिए मैं मेरी पर्सनल राय दे रहा हूँ, आप इंडिया आना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो सर हमें 2 साल हो गए, हमें 3 साल हो गए, हमें इंडिया आना है, लॉकडाउन ओपन हो गया, चलो जी इंडिया। अगर आप इंडिया आते हो तो पहली बात तो टिकट का जुगाड़ करके आना भाई, 3 गुना टिकट महंगी होने वाली है फाइनली मैं बता दूं, 40 से 50 हज़ार से नीचे फ्लाइट नहीं मिलेगी आपको, सबसे महंगी फ्लाइट मिलेगी। उसके बाद आपको घर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा नो आइडिया,
क्योंकि आप वो नॉर्मल टाइम नहीं है कि एयरपोर्ट से उतरे गाड़ी करी 7-8 घंटे में घर पहुंच गए, वो सिस्टम नहीं है भाई। इंडिया आप आओगे आपकी पूरी जांच होगी, पड़ताल होगी, अगर आपको लगा थोड़ा सा भी लक्षण है 14 दिन के लिए तो आ जाओ जी अंदर, इधर आ जाओ साइड में 14 दिन के लिए तो आपको रखेंगे। उसके बाद किस तरह से आप घर पहुँचोगे, 20-25 दिन आपको घर पहुँचते लग जाएंगे, आपको बहुत सारी समस्याओं का, जहाँ आपको जितनी सऊदी में समस्याएँ नहीं है ना उससे ज़्यादा आपको यहाँ समस्याएँ देखने को पड़ सकती हैं। क्योंकि भाई जितनी बड़ी पॉपुलेशन होती है ना समस्याएं भी उतनी ज्यादा रिकवर करनी पड़ती है। फिर आप समझ सकते हो कि इतनी पॉपुलेशन आएगी तो गवर्नमेंट उनको कहां रखेगी, आपको खाने पीने के पानी पीने के इतने मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी आपसे विनती ये मैं करना चाहता हूं मेरी तरफ से कि जिनको इमरजेंसी नहीं है, 200% इमरजेंसी नहीं है, 100 की बात नहीं कर रहा हूं, तो वो भाई एक बार रुक जाए 4-6 महीने नॉर्मल हो जाए तो आप आ जाए। अभी तो मजबूरी है वही आए, बाकी 100 के तौर पर कि भाई चलो टाइम हो गया घर चलना वो ना आए, अगर आ जाओगे तो पछताना पड़ सकता है, टिकट का पैसा डबल और घर आते आते आपका कितना पैसा लगेगा नो आइडिया, कोई घर से संपर्क नहीं, कोई घर वाला आपको लेने के लिए नहीं आ पाएगा एयरपोर्ट पे वगैरह वगैरह, क्योंकि 3 तारीख से इंडिया में फ्लाइट्स का सिस्टम ऑन हो जाएगा लेकिन आंशिक रूप से लॉकडाउन बंद रहेगा, ये फाइनली धीरे धीरे न्यूज निकल के आ रही है। तो मेरी आपको बात शायद समझ में आई होगी, जो 200% इमरजेंसी है वही आने की सोचें भाई, भाई बाकायदा भाई थोड़ा आप वेट कर लें ताकि आपको यहाँ आने के, अगर आपको सऊदी में मकान मिल रहा है रहने के लिए, खाना मिल रहा है, और नहीं भी मिल रहा है तो यार रमज़ान का महीना है एडजस्टमेंट कर लो, इंडिया में आने के बाद कौन सा आपको अपने आप मिल जाएगा, यहाँ पर भी तो सब कुछ करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है इंडिया आने की तो आप थोड़े टाइम वहाँ रुक जाइए, जैसे ये नॉर्मल माहौल हो जाता है उसके बाद आप आ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस मेरी सजेशन यही था साथियों, सऊदी से रिलेटेड वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन वीडियो यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।